गाइस, अभी हम बनाने जा रहे हैं गिलकी की सब्जी। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है गिलकी का सब्जी। तो आप सभी इसे जानते ही होंगे, मिनरल से भरपूर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है लगभग 1 किलो गिलकी है ये। तो इस गिलकी को हम पहले छील कर ले लिए हैं और इसे अब कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है ये गिलकी। तो चलिए फिर इसे हम सब्जी बनाने के लिए तैयार करते हैं, कट कर लेते हैं। तो इसे हम चने की दाल के साथ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गरम करने के लिए कुकर को रख दिया है और यहीं पे हमारा जो गिलकी है कट कर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, तो अभी मैं कुकर में इसे बनाऊंगी तो इसमें जो पानी है वो हट जाए, उसके बाद फिर इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गरम हो चुका है तो इसी में मैं डाल दूंगी सूखे मिर्च। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 सूखी मिर्च डाल रही हूँ और यहीं पर मैं डाल दूंगी लहसुन और इसे भूनने दूंगी। तो यहाँ पर हमारा लहसुन हो चुका है, यहीं पे हम डाल देंगे टमाटर और गिलकी को। तो गिलकी को मैं पहले डाल देती हूँ। इसमें मैं वाटर नहीं ऐड करूंगी क्योंकि गिलकी है उसमें अपने अंदर खुद ही होता है वाटर। तो इसे मैं मिला लेती हूँ। और इसे भूनने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो चलिए यहीं पे हम टमाटर भी ऐड कर देते हैं। और इसे मिला लेते हैं और यहीं पे हम नमक और हल्दी मिर्च और धनिया का पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे बंद करके पकने देंगे। पर हम डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। धनिया का पाउडर तो लगभग छोटे चम्मच, 2 छोटे चम्मच डाला है मैंने। और ये देखिए, इसमें वाटर अपना निकलना शुरू हो चुका है। तो चलिए यहीं पे हम चने का दाल भी डाल देते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं चने का दाल ऐड करती हूँ। तो इसे भिगाकर मैंने रख दिया था। अब इसे हम कुकर को बंद कर देंगे और इसे आराम से पकने देंगे 4 से 5 मिनट आते तक। तो इसे पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था और कितना पानी निकल चुका है। तो आप भी कभी भी बनाएं तो गिलकी में पानी ना डालें, इसमें अपना ही पानी होता है वाटर। तो ये देखिए इतना पानी निकला हुआ है और इसे मैं पानी कम करने के लिए थोड़ी देर और रख रही हूँ, फिर धनिया का पत्ती ऐड कर दूंगी और ये तैयार है हमारा गिलकी और चने दाल की सब्जी। तो लीजिए, हमारी गिलकी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और आपको अगर थोड़ा रस चाहिए तो आप इसी मात्रा में डाल सकते हैं या फिर आप और सूखा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से चने का दाल और गिलकी पक चुका है। तो हो गई है हमारी गिलकी की सब्जी तैयार, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है और ये लाजवाब लगती है। तो गर्मियों के दिनों में बहुत ही अच्छा होता है ये, मिनरल से भरा हुआ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और इसकी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।